नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये प्रोग्राम है रेनबो रिवाइंड। 12 तारीख से बात करते करते हम देखो 13 तारीख में आ गए। कितनी बातें करते हैं हम। वेल, आप लोगों के साथ मैं बना हुआ हूँ यहाँ पर, और ये प्रोग्राम है रेनबो रिवाइंड, आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1। कुमुद परेल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ़ों के पुल बांधने के लिए। राजेंद्र जुठानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हाँ, 12 तारीख को कागज़ थैला दिवस था, आप लोगों को अगर याद हो, पेपर बैग डे। सूरज कुमार मलेशिया से, सुकून भरी रात आपके साथ और ये हार्ट टचिंग सुपर गोल्डन हिट्स। कमाल क्या है पता है सूरज, सूरज तुम ना रात में, हाँ मलेशिया है ना, तो सूरज ऐसा है कि ये गानों का कमाल है। हमें तो बस वो शय मिली है कि हम इन गानों को इस माध्यम से FM रेनबो के आप तक पहुँचाएँ। ये इन गानों का कमाल है, ये स्टेशन जिसके ज़रिए हम आप तक पहुंच पाते हैं उसका कमाल है, और आप लोगों का जो इसे सुनते हैं। दीपाली शिरोडकर, थैंक यू सो मच एंजॉयिंग द सॉन्ग। और माया प्रकाश, शुभदा पुणे से नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। घर फिल्म से आपको गाना सुनना है, ज़रूर मैं सुनाऊंगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास बिल्कुल दर्ज है। फ़िलहाल कुछ और गाने हैं जो इस लिस्ट में हैं, और चलिए उन्हें भी सुन लेते हैं आप और हम रेनबो रिवाइंड पर, दिल से दिल तक। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। बदलेगी एक दिन ये हस्ती, चमकेगा एक दिन मुकद्दर, आएगा झूमता सवेरा जीवन में रोशनी को लेकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारें हैं जहाँ तक ये सांस बाकी है। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारें हैं
जहाँ तक ये सांस बाकी है, पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी मुझको अपने गले लगा लो ए मेरे हमराही, अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो, मुझको बचा लो ए मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ए मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जिन राहों पर हंस के चलो तुम, फूल वहां खिल जाते हैं, दम लेने को जहाँ रुको तुम, मदशाले बन जाते हैं। तुमको छू कर पवन झकोरे खुशबू ले कर जाते हैं, लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं, दिल थामे रह जाते हैं। दिल से दिल के तार मिला लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया।
वेल इतनी जल्दी अलविदा नहीं, वैसे अनारकली से ये ट्रैक आप लोगों ने सुना और उसके पहले कई सारे गाने जो ये सिलसिला जारी रहा और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए। प्रकाश शिंदे, थैंक यू सो मच। मुझे याद है नीरू फुले का जिक्र कर रहे हो, मैं ज़रूर उनका जिक्र करूँगा। और श्याम सुंदर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, और जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो खुश नहीं हुए। आप दूसरों को खुश करने में लगे हैं और ख़ुद की खुशी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप खुश नहीं है तो दूसरे आपसे क्या खुश होंगे। पहले आप अपने आप से खुश हो, तब कोई जाकर आपसे खुश होगा। वेल, और सबको खुश करने की जहमत क्यों उठा रहे हो। मुझे लगता है कि ज़िंदगी बड़ी आसान है, सादगी से गुजारना, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट फैशन, ऐसा कहा जाता है। और आप जो हैं वो रहें, आप जो नहीं हैं वो ना बने, बस ये समझ आ जाए ना अगर, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों का खुलासा यूं ही हो जाएगा। क्या कहते हैं आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं आप, वो इतनी सारी रिक्वेस्ट मुझे भेज दिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कहीं कोई रिक्वेस्ट अगर मिस हो जाए तो प्लीज़ उसे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। मैं अगले प्रोग्राम में ज़रूर प्ले करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ उन गानों की तरफ जो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट है। और ये 13 तारीख है जुलाई की, और ये महीना एक ख़ास वजह से जाना जाता है, बताऊँगा मैं, इंतज़ार करिए थोड़ा। फ़िलहाल सुनते हैं ये गाने दिल से दिल तक। Thank you.
जब शाम घने बारह बजकर 28 मिनट हो गए हैं और तकरीबन 29 मिनट होने आए हैं। आप सेकंड्स बड़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं और क्या खूबसूरत ये गाने हैं और आप लोगों के फीडबैक है। प्रकाश शिंदे, राजेंद्र जेठानी साहब, थैंक यू सो मच। दीपाली शिरोडकर, बहुत शुक्रिया। सावन के झूले ट्रैक आपको सुनना था। श्याम सुंदर, आपका भी शुक्रिया। राजेंद्र परमार हमराही से आपने वो ट्रैक सुना, वो भी बहुत पसंद आया, उसके लिए भी यू वेलकम। कुमुद परेल, इसमें थैंक यू क्या बात है। और प्रकाश, तुमने तारीखों को और लफ्ज़ों को मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत सा यू नो मैसेज तैयार किया है। मैंने हमेशा 13 यानी न्यूमेरिक 13 और 7, तेरा साथ दिया, तुम भी मेरा साथ दो, हम दोनों को हमेशा एक साथ रहना है, इसलिए मुझे छोड़ने की कभी गलती दो बारा मत करना। मैंने शायद उस तरीके से ही पढ़ा जिस तरह से तुमने भेजा था प्रकाश, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज एज वेल। माया, नींद ना मुझको आए, बहुत अच्छी बात है, जागते रहो, सुनते रहो फिल्म रेनबो, आई नो दैट्स अ सॉन्ग रिक्वेस्ट। सूरज कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। और जयंत मानिकलाल दवे, आपका भी शुक्रिया, आप सब सुन रहे हैं लाइव मोड पर, और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी गुड विशेस कन्वे करने के लिए हमारे पूरे स्टाफ मेंबर्स आकाशवाणी के और जितने भी न्यूज़ ऑन AIR आप सब लोग सुन रहे हैं आप, और इलिनॉय USA से थैंक यू सो मच आप लोगों का इस तरह से जुड़े हुए हैं। अमर पाटिल अलीबाग से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ यहाँ पर बने। देखो, मैं ये जो गाने सुना रहा हूँ ना आप लोगों को, ये गाने हो सकता है इस वक्त में आपके वो पसंदीदा गाने ना हो जो आप सुनना चाहते हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी मूड पे ये गाने आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आप ही की पसंद ले कर रहा हूँ बड़ी आसानी से कह दिया ना मैंने ये बात, लेकिन है ना सच तो। हाँ, बस ये जज्बात, ये हालात, ये एहसासात, बस उसी का नाम जो है ना मैं कह सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी है, जहाँ पर हमें उस वक्त क्या महसूस हो रहा है और हम क्या सुनना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, हम जो कहना चाहते हैं वो सुनने के लिए कोई है भी कि नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है। सुन तो ले, सुनकर समझ भी ले, ये भी बात है। चलिए, ज़्यादा जज्बाती ना हो, जस्ट बातें रखते हैं। स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। भगवान ने कुछ फनकार को ज़्यादा ही जज्बाती बनाया है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरती से गाया गया है, सुन के कुछ एक अजीब सी कैफियत तारी होती है। दर्द भरा गाना है, लेकिन दर्द भी तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, इसे इंसान कब तक दूर भाग सकता है।
हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके Yeah.
मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग इस रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। धोखा है क्या भरोसा है, सुनो दोस्त तो शक दोस्ती का दुश्मन है। अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जाती है यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकलिया। इसमें कोई दो राय है कि वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम,
ऐसे कई सारे मकाम जो हम शायद सांसें ले रहे थे जीना भूल गए, लेकिन वो लम्हे को जीना भूल गए, खुलकर जीना भूल गए। और ऐसे ही आनंद बख्शी साहब ने ये गाना नहीं लिखा है, और एक बार चले जाते हैं। इसमें एक सबक भी है, एक सीख भी है, कहीं ना कहीं हालात बयां करते हुए भी आप इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से कि हाँ ये ऐसा हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर जस्ट ऑन द राइट ट्रैक। और मैं ये गानों की जो ये कैफियत होती है, इसे लिखने वाले का कमाल जो इंद्रवर साहब ने लिखा था, वो सफ़र फिल्म का गाना अगर आपको याद हो कि हम थे जिनके सहारे और हम वो हुए ना हमारे, आसान लिखना बहुत मुश्किल काम होता है, और डूबी अब दिल की नहीं है सामने थे किनारे, ये इतनी आसानी से लिख दी गई है बात। और फिर वो रेत की है दीवारें जो भी चाहे गिरा दे, मतलब कहाँ से वफा के इरादों को रेत की दीवारों से मिला दिया कि हमें समझ भी आ रहा है कि बहुत ही कमज़ोर है। तो ये जो एक कनेक्शन है और उसे कन्विक्शन, और जो हमें कन्विंस कर लेते हैं एज ए लिसनर, ये बहुत कमाल की बात है। और ये बहुत आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं, लेकिन जो टाइमिंग है उसे मैच करना कदर उसी की है। एहसास इसलिए भी है, वो गाने आज भी तरोताज़ा हैं, आज भी हमें पसंद है। इनके जज्बात, इनके एहसास जिसे हम महसूस करते हैं, वही तो कमाल है इन गानों का। चलिए फिलहाल आप लोगों को दो गाने सुना रहा हूँ बैक टू बैक, और ये दो गाने भी अपनी जगह बहुत ही ज़बरदस्त है, सुनिए इन्हें और लौट कर आए। बहुत लोगों के दिल के करीब हैं ये गाने, पता है मुझे। स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल। हमने आपके सपने सजाए हैं, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलके उठा के आपने जादू जगाए हैं। रंग हाथ आए हैं, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं।
नजरें उठाई आपने तो वक्त रुक गया। ठहरे हुए पलों में, ठहरे हुए पलों में जमाने बिताए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। आ, बस आप, आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए सुनी सुनी
एक पल गुजर गया, बना के दिल पे एक निशान, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सीधा सुना, फजा भी है जवां जवां, हवा सुनी सुनी सीधा सुता फजा